जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अग्रेरियन अमीन दैन लोधी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पाकपतन से। आज हम बात करेंगे जो कपास के ऊपर आजकल एफिड का या सुस्त तेले का हमला देखने को मिल रहा है, इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। एफिड या सुस्त तेला क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। एफिड या सुस्त तेला बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें कपास के पत्ते के पीछे वाली साइड पर देखने को मिलते हैं। जब हम कपास के पीछे वाले पत्ते की साइड को देखेंगे तो छोटे छोटे सब्ज रंग के कीड़े हमें रस चूसते हुए देखने को मिलेंगे, जिनका साइज छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा। ये तो ये हमारा रस चूस कर कपास के पौधे का नुकसान करते हैं। दूसरा इनका जो मेन वजह नुकसान की वो ये है कि जब ये रस चूस रहे होते हैं तो उस रस चूसने के साथ साथ ये एक शहद नुमा मादा जिसको हम हनी ड्यू कहते हैं वो भी खारिज करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारे पत्ते के ऊपर एक फंगस ग्रो हो जाती है जिसका नाम होता है स्याह, जिसको हम कहते हैं स्याह फंगस भी कहते हैं या सूटी मोल्ड भी हम उसको कहते हैं। जो हमारे पत्ते हैं ना वो काले हो जाते हैं। वो काले होने का नुकसान क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल, जो हमारी पास की बढ़ोतरी का अमल हो रहा होता है पत्ते के पौधे के अंदर, वो मुतासिर होता है और हमारे पौधे का जो कद है वो छोटा रह जाता है। अब ये तो थी बात पहचान की और एफिड की, अब हम बात करेंगे कि हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो एफिड को कंट्रोल करने के लिए हम कोई स्प्रे भी कर सकते हैं जिसमें आप नबाताती जो महलूल है, हम आप सब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बता रहे हैं कि 600 ग्राम आप कोर तोमा 600 ग्राम नीम जो है और हिंग जो 10 ग्राम, ये तीन चार चीज़ें हैं, इनको मिलाकर आप स्क्रीन में ये तमाम महलूल देख रहे हैं, इनको अगर मिलाकर हम स्प्रे करेंगे तो हम इनसे भी एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लोग स्प्रे करना चाहें तो पाइमेट्रोजीन जो है वो स्प्रे मुख्तलिफ कंपनीज दे रही हैं, वो आप उसको स्प्रे करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एफिड इस हमले देखने को क्यों मिल रहा है तो इसकी वजह ये है कि हमारा पिछले कुछ दिनों से जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहा है, जो मौसम ठंडा होने की वजह से जो एफिड की जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी नस्ल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। जैसे ही ये टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा, हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है और अब जो एफिड की पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन हमें कम देखने को मिल रही है। मेरी पहली बात यह है कि अगर आपको एफिड को कंट्रोल करना है तो आप नबाताती महलूल जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इसका स्प्रे करें। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप फिर पाइमेट्रोजीन या नाइटिन पायरम का स्प्रे करके एफिड को कंट्रोल कर सकते हैं। जी थैंक।